arguments. Tomorrow, by 10:30 a.m., we are expecting judgment. BJP जहाँ पे पावर में थी वहाँ पे तो कई जगह तो सरकारें चलाती हैं. मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट भी जो है असेंबली लेजिस्लेचर और स्पीकर के फेवर में ही डिसीजन. ऐसा लग रहा है सरकार बन जाएगा, ऐसा लग रहा है. वो गवर्नर का प्रोरोगेटिव राइट है, किसका बुलाएंगे क्या करेंगे वो देखना है. तो क्या बुधवार को कर्नाटक के सियासी नाटक की पटकथा का अंत हो जाएगा, या फिर गुरुवार को सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, यानी अभी पिक्चर बाकी है. नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन स्पॉट, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला. दावे और वादों के बीच कर्नाटक में अब क्या होगा? दिल थामे सियासत के विद्यार्थी और संविधान के छात्र भी अब कोर्ट के फैसले के लिए इंतजार में है. फैसला किसके पक्ष में आता है ये तो बुध को साफ हो जाएगा, मगर जीत लोकतंत्र की हो ऐसी सबको उम्मीद है. खैर, सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुबह 10:30 के बाद अपना फैसला सुना देगा. मतलब फैसला आने के बाद सियासत में तूफान दिल्ली से कर्नाटक तक आना तय है. क्या सवाल यही पूछा जाएगा कि इस्तीफे पर फैसला हो या फिर अयोग्यता पर? आज सबसे पहला सवाल यही होगा जो बात सदन में पूछी गई, या यूं कहें कि जो बात सुप्रीम कोर्ट में पूछी गई, यानी पहले मुर्गी आई या फिर अंडा. ऐसे में आज सवाल पूछेंगे कि क्या इस्तीफे पर फैसला होगा या फिर अयोग्यता पर. कर्नाटक की लड़ाई स्पीकर बनाम कोर्ट क्यों दिखाई दे रही है? सवाल यह भी कि कुमारस्वामी सरकार गिर गई तो फिर इसके बाद क्या बीजेपी जेडीएस मिलकर क्या सरकार बना सकते हैं? और सवाल यह भी कि बुध किसके लिए होगा शुभ? आज एक बड़े पैनल के साथ, खास तौर पर संवैधानिक नजरिए से, यहां काफी महत्वपूर्ण है, संवैधानिक नजरिए से इस पूरी सियासी लड़ाई को समझेंगे और समझेंगे कि इस फैसले आने के बाद सियासत की तस्वीर कैसी हो सकती है, वो भी राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ. लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं कि कोर्ट के भीतर हुआ क्या. एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स आर ओवर इन सुप्रीम कोर्ट. दी Chief Justice of Supreme Court listened all the arguments. Tomorrow by 10:30 a.m. we are expecting judgment regarding assemblies of all the states of our country. Mostly landmark judgment will come, we are expecting. कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के बागी विधायकों और स्पीकर की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. मंगलवार को कोर्ट में इस मुद्दे पर हर पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी और कोर्ट ने अपना फैसला अब सुरक्षित रख लिया है. जहां एक तरफ बागी विधायकों ने कोर्ट से मांग की कि वो स्पीकर को उनके इस्तीफों को स्वीकार करने का निर्देश दे, जबकि स्पीकर ने कोर्ट में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई. सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को सुबह 10:30 के आसपास इस मामले पर फैसला सुनाएगा. ये बीजेपी जहां पे पावर में थी वहां पे तो कई जगह तो सरकारें चला दिए, बिना डिस्क्वालिफिकेशन किए सरकारें चला दिए. तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है असेंबली लेजिस्लेचर और स्पीकर के फेवर में ही डिसीजन देगा. विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हर पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें दी. सबसे पहले राजीव धवन ने कहा कि स्पीकर बाध्य है कि वह इस्तीफे के पीछे की मंशा की तहकीकात करे. स्पीकर को आंखें मूंद कर नहीं बैठना चाहिए. जब 11 लोगों को टारगेट बनाकर सरकार के खिलाफ तोड़फोड़ की साजिश रची जा रही हो, इन इस्तीफों की मंशा और नतीजा क्या होगा? क्या आप अगली सरकार में मंत्री बनने नहीं जा रहे? इस मामले में कोर्ट का कोई न्यायाधिकार नहीं है. ये स्पीकर बनाम कोर्ट का मामला नहीं है, ये तो सीएम बनाम सीएम बनने की मंशा वाले व्यक्ति का मामला है. कोर्ट को ये मामला सुनना ही नहीं चाहिए. इसके आगे फिर राजीव धवन ने अपना पक्ष ये भी रखा कि पहले इस्तीफे पर फैसला हो या योग्यता पर, ये तो ऐसा ही है कि मुर्गी आई या अंडा. क्या संविधान में ये दिया गया है कि पहले किस पर फैसला हो? राजीव धवन के बाद स्पीकर का पक्ष रखने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए.
और उन्होंने कहा कि स्पीकर को कुछ समय मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें सही तर्कों के साथ इस्तीफा और एकजुटता पर निर्णय करना है। इस बीच अदालत लंच के लिए ब्रेक पर चला गया। लंच के बाद दोबारा इस पर बहस हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप बंदिशें हटाइए, हम कल तक इस्तीफे और अयोग्यता पर फैसला कर लेंगे। साथ ही एक कारण भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि स्पीकर को कुछ हो गया है और वो इस तरह के फैसले ले रहा है। स्पीकर काफी अनुभव वाला व्यक्ति है। चर्चा के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर आप इस्तीफे पर फैसला कर सकते हैं तो करिए। जब हमने पिछले साल 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया तो आपने आपत्ति नहीं जताई थी क्योंकि वो आपके हक में था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के अधिकारों पर तीखी बहस चल रही है। टिप्पणी तल्ख थी। इसके बाद बागी विधायकों की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा और कहा कि विधायक कोई ब्यूरोक्रेट या कोई नौकरशाह नहीं है जो इस्तीफा देने के लिए उन्हें कोई कारण बताना पड़े। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह भी कहा कि अगर हम आपकी बात माने तो क्या हम स्पीकर को कोई ऑर्डर दे सकते हैं? आप ही बताइए कैसे में क्या ऑर्डर हम दे सकते हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधायक कोई ब्यूरोक्रेट या कोई नौकरशाह नहीं है जो कि इस्तीफा देने के लिए उन्होंने कोई कारण बताना पड़े। मध्य प्रदेश कर्नाटक और गोवा उदाहरण है। कर्नाटक में गुरुवार फ्लोर टेस्ट होना है। अभी कांग्रेस एंड जेडीएस का 15 एमएलए से रिजाइन किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा। हमको उम्मीद है, हमको ज़्यादा फायदा है इसी से, क्योंकि हमारे साथ नंबर ज़्यादा है। अभी कांग्रेस एंड जेडीएस का नंबर कम हो गए हैं, वो सरकार अल्पमत में है, इसलिए गुरुवार हम फ्लोर टेस्ट में पास करेंगे। ऐसा लग रहा है सरकार बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। वो गवर्नर का प्रोरोगेटिव राइट है, किसका बुलाएंगे, क्या करेंगे वो देखना है। अगर बाकियों के इस्तीफे मंजूर हुए तो क्या? अगर बाकी विधायक अयोग्य करार दिए गए तो क्या? अगर बागियों ने सरकार के खिलाफ वोटिंग की तो फिर क्या? और बागी विधायक सदन से गैर मौजूद रहे तो फिर क्या? और अगर कुमार स्वामी सरकार गिर गई तो इसके बाद क्या? सवाल अभी भी बाकी हैं। अब निगाहें बुध पर हैं और बुध अब किसके लिए शुभ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। रिपोर्ट TV24। जी हाँ, बुध किसके लिए होगा शुभ इसका इंतजार करना होगा। कुछ ही घंटों के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। आपको बता दें हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संदीप द्विवेदी जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आशीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। साथ ही प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषक हैं। राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और वीरेंद्र प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष पांडे आपके पास आना चाहेंगे। सर, मुर्गी आई या फिर अंडा आया? देखिए, मुर्गी आई या अंडा आया ये कल डिसाइड होगा। हमारे लिए कोई इस समय टिप्पणी करना ना मेरे लिए आपके लिए ये उचित होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक 2017 में एक विश्वजीत राणे जी का केस आया था। गोवा में उन्होंने इस्तीफा दिया था इसी तरीके से। एक पहले रेजिग्नेशन दिया था और बाद में उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गया था। उस समय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये माना था, चूंकि रेजिग्नेशन जिस समय दिया गया था उस समय कोई पेंडिंग पिटीशन नहीं थी कांग्रेस की तरफ से कि आप इनको डिस्क्वालीफाई करिए, इसलिए रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। नहीं, बात तो हम देख सकते। देखिए, इशू क्या हो रहा है, कोर्ट का क्या जजमेंट आएगा ये शायद अभी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन संवैधानिक प्रोविजन क्या है मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई भी विधायक अपनी स्वेच्छा से मर्जी से इस्तीफा दे सकता है। आर्टिकल 190 इसका कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अधिकार देता है। ठीक। लेकिन 191 जो कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, वो ये कहता है कि स्पीकर के पास भी ये अधिकार है कि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे उस इस्तीफे पर और ये पता लगाए कि क्या ये इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया है और क्या ये इस्तीफा सही है। उस पर वो यस या नो का डिसीजन ले सकता है। यहां पर देखिए इशू क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सारा डिस्प्यूट हो रहा है, कि हमारे संविधान में एक शेड्यूल 10 भी है जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन है। डिस्क्वालिफिकेशन का एक प्रोविजन ये भी है कि अगर पार्टी कोई व्हिप जारी करती है और उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये भी है कि अगर डिस्क्वालीफाई करके भी अगर आप जेडीएस की गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या रिजाइन करके भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है रेजिग्नेशन की जगह, तो
किस तरीके के, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। इवन ये इशू भी आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस शख्स का मैंने नाम लिया, विश्वजीत राणे जी के जजमेंट में हाईकोर्ट ने कहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो पूरे टर्म के लिए नहीं होता है, आप रिजाइन करने के बाद री इलेक्शन सीक कर सकते हैं। लेकिन वो इशू अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और अगर फैसला अदरवाइज आता है और ये विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इस पूरे टेन्योर, विधानसभा के पूरे टेन्योर में ये दोबारा उस विधानसभा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना कोई पद ले पाएंगे, ना ही पुनः इलेक्शन के लिए खड़े हो सके। ये संवैधानिक संकट से निपटा जा रहा है या फिर संवैधानिक संकट को पैदा किया जा रहा है? देखिए ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? ये संवैधानिक संकट मैं इसको नाम नहीं दूंगा, ये शायद पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं जो क्लैश हो रहे हैं, और एक बहुत छोटी सी चीज है, विधायकों ने रिजाइन किया हुआ है, स्पीकर को चाहिए उस पर यस या नो, इधर वे कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देता है, उस पर वो निर्णय ले ले और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जा सकता है। ये किसी संवैधानिक, देखिए संवैधानिक संकट, दरअसल संवैधानिक संकट की बात इसलिए आ रही है ना, एक तरफ कोर्ट है और दूसरी तरफ स्पीकर के अधिकार हैं। नहीं तो इसको देखिए चावला साहब, इसको कोर्ट वर्सेस स्पीकर कर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए हमारी जो संवैधानिक स्कीम है ये सेपरेशन ऑफ पावर पे डिपेंड करती है। सेपरेशन ऑफ पावर में एक जुडिशियल डोमेन अलग है, लेजिस्लेटिव डोमेन अलग है। अगर लेजिस्लेटिव डोमेन को स्पीकर हेड कर रहा है तो जुडिशरी को एक अलग विंग हेड कर रही है। यहाँ पर सवाल ये है कि लेजिस्लेटिव विंग क्या अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, तो क्या कोर्ट के पास ये अधिकार है इसमें भी कि वो स्पीकर को अधिकार दे, स्पीकर को जो है वो निर्देश दे? नहीं, देखिए इसको दो तरीके से देखा जाना चाहिए। मेरिट्स पर कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता है, स्पीकर को अधिकार है। देखिए चाहे 10th शेड्यूल हो या आर्टिकल आपका 191 हो, वो ये कहता है कि स्पीकर के द्वारा लिए गए निर्णयों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन इस लैंग्वेज का कनोटेशंस क्या है ये समझने की जरूरत है। जहां तक मेरिट्स की बात है, स्पीकर के निर्णयों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जहां तक एक कैटेगोरिकल ब्लाइंड डायरेक्शन की बात है, वो स्पीकर को नहीं दी जा सकती। लेकिन कोर्ट स्पीकर को हमेशा ये कह सकता है कि संविधान ने आपकी ये मर्यादाएं निर्धारित की हैं, आप इन मर्यादाओं के हिसाब से पालन करिए। मैंने आपसे ये बात इसलिए पूछी ना फिर मैं, क्योंकि संवैधानिक मसला है, आप ही हमें इस बात को समझा सकते हैं अच्छे से। मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको इस्तीफे पर फैसला जो है इस टाइम पीरियड के भीतर लेना है, तो क्या वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट की पावर के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, इस चीज को हमें समझना चाहिए। लेकिन ये भी बात उतनी ठीक है कि स्पीकर के पास एक अधिकार है कि किसी भी इस्तीफे पर निर्णय लेने से पहले वो थोड़ा विचार विमर्श कर सकता है, चीजों को एग्जामिन कर सकता है। अब ये पीरियड कितना होना चाहिए ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन इस डिस्क्रिशनरी पावर का एक जुडिशियस इस्तेमाल होना चाहिए। एक इनफाइनाइट समय तक इसको पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। क्या स्पीकर अगर फैसला नहीं लिया जब तक, क्या विधायकों के पास वो अधिकार है कि वो कोर्ट में जाके इसे चैलेंज करें? देखिए अगर विधायक ने फैसला स्पीकर ने फैसला नहीं लिया है तो स्पीकर क्या फैसला ले, ये विधायकों के पास अधिकार नहीं है कोर्ट में चैलेंज करने का। लेकिन स्पीकर को कोई फैसला लेना चाहिए, ये उनका बेसिक अधिकार है जिसके लिए वो इस समय सुप्रीम कोर्ट गए हुए। ठीक है सर, मैं आगे भी आपसे जो है गहराई से कुछ बातें, क्योंकि आर्टिकल 32 का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, मैं उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा, और साथ ही साथ 2010 के युद्रप्पा वाले मसले पर भी चर्चा करूंगा मैं आपसे, क्योंकि उसके जजमेंट को लेकर भी यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन पहले संदीप द्विवेदी आइए सर राजनीतिक मैदान में, अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है सर, प्लान बी क्या अब? नहीं देखिए इसमें अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, वो संवैधानिक परंपराएं दांव पे लगी हैं, जहां एक मुख्यमंत्री आज क्लर्क के तौर पे सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि कहीं अगर सरकार बदल गई तो सरकार उसके काली चिट्ठे खोल के उन्हें जेल में न डाल दे, या कहिए कि खुलेआम कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग इसलिए की गई कि पुरानी सरकार के काली चिट्ठे खोल के आज पूर्व मुख्यमंत्री को जेल के अंदर जेल की हवा ना खाना पड़े। विधायक तो उनके टूटे, हॉर्स ट्रेडिंग वो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हॉर्स ट्रेडिंग वही कर रहे थे, वरना सबसे बड़ी पार्टी आज क्लर्क, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर आज क्लर्क के तौर पर एक उस मुख्यमंत्री के अंडर में काम कर रहा है। बड़ी कंफ्यूजन होगी सर, विधायक उनके टूटे वो चले गए तो वो कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे? भाई विधायक उनके क्यों टूटे, जिनको हॉर्स ट्रेडिंग में रेट कम मिला वो नाराज हुए बैठे। तो आपने रेट सही लगा दिया? किसने? आपने। हमने कौन सा उन्हें मंत्री पद ऑफर कर दिया? तो आप हमने कौन सा उन्हें कौन सा उन्हें लिफाफा थमा दिया या कौन सा अंडरटेकिंग उन्हें हमने पैसा थमा दिया, या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गया? सिर्फ होटल के बिल, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गया संदीप द्विवेदी? वो क्या होटल के बिल भरने से काफी हो जाएगा? आप क्या किस बेस पे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी होटल के बिल भर रही है? कौन भर रहा है? आप जाके इंक्वायरी करिए, आपको अधिकार है,
आप पत्रकार हैं, आप ऐसे ऐसे पार्टी का आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? सर मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, नाराज क्यों हो रहे हैं? पहले सर आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, नेशनल लेवल के चैनल पर बैठे हैं और आप पार्टी के ऊपर बिना किसी सबूत के आरोप लगा रहे हैं। आप नहीं दे रहे होटल के बिल तो बात खत्म होगी ना सर। तो होटल के बिल कौन भर रहा है? आप होटल के बिल किसी के नाम पर भर रहे हैं? पत्रकार हैं, सबूत रखिए। सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ वो चार्टर्ड प्लेन किसका था? पूछने से ज्यादा अच्छा होता कि आप सबूत रखते सामने। सर सबूतों की बात भी कर लेंगे, चार्टर्ड प्लेन की बात रखिए ना। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकते हैं? संदीप द्विवेदी नहीं, आप हवा में तीर चलाएंगे। संदीप द्विवेदी आप हवा में तीर चलाएंगे कि भाई ये पार्टी ऐसा कर रही है, फिर कहेंगे नहीं हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। संदीप द्विवेदी नाराज मत होइए सर, नाराज मत होइए। होटल के बिल ठीक है, होटल के बिल आज होने का है, नहीं प्रजापति के नाम पे फट रहे हैं ये कांग्रेस नेताओं के नाम पर होटल के बिल फट रहे हैं। ठीक है सर, अब आइए मुद्दे पर, प्लान बी क्या है? देखिए देखिए, किसी के नाम पर होटल के बिल फड़ रहे हो, फाड़े जा रहे हो, हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमजोर सरकार पूरे राज्य को आज खतरे में डाले है। वहां की जनता के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, वहां विकास के काम सब रुके पड़े हैं, वहां कानून व्यवस्था पूरी की पूरी आप देखिए कटघरे में खड़ी है। तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक मजबूत विपक्ष को आवाज उठानी पड़ेगी, और अगर अभी भी यह सरकार नहीं सुधरी तो जनता के बीच में जाके हम इनकी ईंट से ईंट बचा देंगे, लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। संवैधानिक परंपरा वो जम्मू कश्मीर जहाँ पर आतंकवादियों आप 3 साल लगे आज जम्मू कश्मीर को अगर अखाड़ा बनाया है आपने, ये बोलते हुए गठबंधन तोड़ते समय पूछा था, काम करने वाले लोग हमें ना बताया कैसे सरकार गिराई जाती है, कैसे बनाई जाती है, आप कुतर्क करना जानते हैं। क्या सबूत दीजिए, परिवार नहीं संभल रहा, पार्टी नहीं संभल रही, सदस्य नहीं संभल रहा। अरे सर भ्रष्टाचार के संदीप द्विवेदी हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। एक सेकंड वीरेंद्र प्रजापति, एक सेकंड, थोड़ी देर में विंडो पर ले लेंगे आप दोनों को, ओके। एक आप बात बताइए सर, मैंने पूछा प्लान बी क्या आपके पास? देखिए हमें प्लान बी की जरूरत है ही नहीं, अगर जनता के साथ खिलवाड़ होगी तो हमारा सीधा सीधा प्लान बी है कि हम जनता के बीच में जाके ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, प्रदेश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और ये मजाक जो नूरा कुश्ती चल रही है, आप विधायक इनके रिजाइन करें या कहीं जाए, हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन प्रदेश का विकास नहीं रुकना चाहिए, प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप हॉर्स ट्रेडिंग के चक्कर में पूरी प्रदेश की जनता को दांव पे लगाए, पूरे प्रदेश के आराम से ये ईट से ईट कैसे बजाएंगे, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। जनता के बीच में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, देखते हैं कैसे इनके विधायक कैसे इनकी सरकारें नहीं गिरती। मतलब आप सरकार नहीं बनाएंगे, आप ये कह रहे हैं कि आप चुनाव करवाएंगे। देखिए अगर सरकार बनाने की बात, देखिए अगर वहां इनके विधायक जनता के दबाव में रिजाइन देते हैं और सरकार बनाने का हमें अवसर मिलता है तो उसमें क्या गलत है? अभी तो आप कह रहे हैं ईट से ईट बजाकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अरे सर अगर हम सरकार बनाएंगे तो दोबारा इलेक्टेड मेंबर्स के बाद भी हम सरकार में अपना भाव साबित करेंगे। आप लीडिंग पार्टी कौन, आप बताइए लीडिंग पार्टी वहां कौन है? जम्मू कश्मीर में कौन थी, गोवा में कौन थी? तो क्यों 6 महीने सरकार नहीं बनाई? गोवा में कौन थी? 6 महीने क्यों सरकार नहीं बनाई? अच्छा तो आप इंतजार कर रहे थे, रोका था ने सरकार बनाने के लिए? अगर दिग्विजय सिंह सिर्फ होटल में बैठे रहेंगे कि भाई सब पार्टियां हमारे घर आके हमें समर्थन करेंगी तो बैठे रहिए आप। जम्मू कश्मीर में क्या किया हमने 6 महीने? जम्मू कश्मीर में प्रदेश के हित में हमने समझौता किया, जम्मू कश्मीर में कुर्बान भी सरकार प्रदेश के हित में करके दिखाई। जम्मू कश्मीर में किसका जनादेश था? और मायावती को जब मुख्यमंत्री बनाया था तब किसका जनादेश था? कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं सर? तिलक जी सर, हमने जब भी डिसीजन लिया है प्रदेश और जनता के हित में लिया है, सर, और अगर सरकारें कुर्बान भी की है तो प्रदेश के हित में की है। आप हमें कांग्रेस का इतिहास उठा के बता दो कितनी सरकारें कुर्बान कर दी। अरे सर तो वो लोग रहे हैं जहाँ कांग्रेस के प्रधानमंत्री की सरकार क्योंकि इनका मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के सहारों में नहीं था, पंजाब में वहाँ इंदिरा गांधी ने अपना ही मुख्यमंत्री इसलिए हटा दिया था कि वो कमीशन देने के लिए प्रजापति, यानी मैंने आपसे प्लान बी पूछा, आपने प्लान बी नहीं बताया, आपने सब कुछ बता दिया, ईट से ईट भी बजा दी, लेकिन वीरेंद्र प्रजापति
ये तो भाई इससे ईंट बजाने की तैयारी कर रहे हैं, कब तक पानी पियेंगे? तिलक जी, ये ईंट से ईंट बजाने वाली भाषा जो है भाजपा से अपेक्षित है, और मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बात कर रहे थे कर्नाटक संकट के ऊपर, आज संवैधानिक संकट जो था, सुप्रीम कोर्ट की जो गतिविधि हुई, इन्होंने कहां से विश्व को उठा कर ले गए, हम हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्दों का प्रयोग यहां पर, ये तो शब्द आए नहीं थे बहस के अंदर। कुल मिला के बताइए सरकार कैसे बताएगी, ये इन लोगों ने कराई है पिछले एक वर्ष से, वो कह रहे हैं हम सरकार ले कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड, संदीप आपके बीच में आज मेरे टाइम पीएम है, ये हॉर्स ट्रेडिंग की विंडो का दिए, अरे रुकिए सर, रुकिए रुकिए, विभाजित कर दिया आपने, इतिहास जानता है, इतिहास जानता है, कौन सी इतिहास जानता है, समुदाय के नाम पर देश को, समाज को, समुदाय को बांटने वालों, देश के अंदर घृणा का भाव पैदा करने वालों, अगर पूछे तो देश में कौन बांटने वाला है? अरे साहब, परिवार नहीं बचा पा रहा है, अपेक्षा नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं आपसे, मैं अपनी तरफ से एक आमंत्रण आपको दे रहा हूँ, आइए आइए कच्ची और स्वस्थ बहस कर लेते हैं, हमारा आइए कच्ची और स्वस्थ बहस कर, आ जाओ संदीप द्विवेदी, अपेक्षाओं पे नहीं, संदीप द्विवेदी आ जाओ, तर्कों पर और तथ्यों पर बात कर लें, करिए तथ्यों पे बात, ओके ओके संदीप, तथ्यों पर बात करेंगे, संदीप शांत है, ओके वीरेंद्र प्रजापति, अब कुल मिलाकर ये बताइए, इन्होंने मुझे नहीं बताया इनके पास प्लान बी क्या है, और प्लान बी और प्लान सी बीजेपी के पास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बताइए आप अपना घर कैसे बचाएंगे, अब आपके पास प्लान क्या है? देखिए निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, जो फ्लोर टेस्ट होगा तो हम अपना घर बचाने में कामयाब होंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज में नेतृत्व के अंदर जो अभी सारा मामला देखा जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट शायद जोर से ज़्यादा इस मामले में इंटरेस्ट ले रहा है, राजीव धवन जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि क्यों स्पीकर के पास अधिकार नहीं कि एक समय सीमा के अंदर वो जितना समय वो लेना चाहते हैं, 10 दिन 5 दिन 15 दिन में अपना फैसले को सुना दें, आप क्यों एक समय सीमा दे रहे हैं कि आपको आज ही फैसला सुनाना है, आप कहते हैं विधायक को जाइए शाम तक मिलिए उनसे बात करिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जो है वो 10 जनपद से तय होगा जी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो 10 जनपद तय करेगा, नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट के मैं सुप्रीम कोर्ट के ये नहीं कह रहा हूं कि वो 10 जनपद तय करेगा या फिर नागपुर से वो तय होगा या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होगा, पर हम ये कह रहे हैं कि इतनी स्थिति, इतना ज्ञान, इतनी जानकारी तो हम भी लोग भी रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं स्पीकर के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। ओके जल्दी से आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रेम जी और राहुल जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए अगर प्रजापति साहब का आर्ग्यूमेंट हम आगे बढ़ाएं तो शायद जिस समय येदुरप्पा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और उनको विश्वासमत हासिल करना था और गवर्नर ने 15 दिनों का समय दिया था उनको विश्वासमत हासिल करने के लिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन को घटाकर 1 या 2 दिन के लिए कर दिया था, तो क्या उस समय गवर्नर के अधिकारों का हनन हो रहा था? देखिए आप लोग राजनीतिक बहस करिए, इसमें कोर्ट की मंशा पर सवाल मत उठाइए, ये मेरा अनुरोध है, कोर्ट एक निष्पक्ष संस्था है, कोर्ट की मंशा यही है कि जो भी निर्णय होना हो जल्द से जल्द लीजिए, जिससे किसी भी पार्टी को, जिस तरीके के शब्दों का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, इन्फ्लुएंस करना, धनबल, बाहुबल, इस तरीके की चीजों का प्रयोग करने का कम से कम मौका मिले और जो वस्तु स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए किसी सरकार का निर्माण, असंवैधानिक शब्द थोड़ी ना, हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना, ठीक है, लेकिन उसमें एक कोर्ट को पार्टी बना लेना, ये देखिए कोर्ट का काम है उस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करना, यही चीज, ये हथौड़ा फिर राहुल जी बीजेपी के ऊपर भी पड़ा था, यही हथौड़ा जेडीएस के ऊपर, संवैधानिक संकट है या पैदा किया जा रहा है? ये संवैधानिक संकट नहीं है, ये प्रेम जी संवैधानिक संकट है या पैदा किया जा रहा है? राहुल जी फिर आपके पास, मूल रूप से ये राजनीतिक संकट है और वो उपचार खोजता हुआ न्यायपालिका के पास पहुंचा है, यही स्थिति है, और मुझे ये लग रहा है कि इतने दिनों के ये जो बीत गए हैं दिन, उसमें जो राजनीतिक उठापटक देखने को मिली है, तो कल जब विश्वास प्रस्ताव की घड़ी भी आ रही है, लोगों का ध्यान और आपका सवाल भी होगा कि क्या होने वाला है, तो अब तक की स्थिति के हिसाब से हमें लग रहा है कि वो लोग एडमेंट हैं, इस्तीफा देने वाले लोग, कि हम इस्तीफा देंगे, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास में बहुमत नहीं रह जाता है,
तो उसके उसके हिसाब से वो अयोग्यता वाला अगर मामला इसमें फिट हो जाए तो उसमें क्या होगा कि संख्या बल समान रहेगी, वोटर कम हो जाएंगे, तो उस स्थिति में सरकार बच सकती है। खेल यहीं पर है, सारी चीजें बात यहीं पर हो रही है। अब इसमें आइए संवैधानिक पहलू पर, स्पीकर के अधिकार पर, जो चीजें ऐसे तो कल हो जाएगा जो होना है, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला लेकर के आ जाएगा, लेकिन फिर भी जब इसमें विमर्श होता है तो विमर्श में कहीं ना कहीं एक बात मेरे भी ध्यान में गई और जिस पर मैं बोलना चाहता हूं कि जब ये कहा गया कि 6 बजे जाकर के सारे MLA स्पीकर को इस्तीफा दें, तो उस समय कहीं ना कहीं स्पीकर का पक्ष नहीं सुना गया था। स्पीकर का पक्ष सुने बगैर वो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था। लेकिन इसमें एक बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट को व्यवस्था देने का एक अधिकार होता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा तब होता है जब वो किसी फैसले की समीक्षा करता है। लेकिन इस मामले में हम कहेंगे कि स्पीकर ने कोई फैसला दिया ही नहीं था जिसकी की समीक्षा की जाती, उनको तो फैसला लेना था। यहाँ तक कि स्पीकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा अपनी बात रखने के लिए, जो बात उनको कोर्ट में रखनी चाहिए थी, रखने देने का मौका मिलना चाहिए था, वो बात उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतानी पड़ी कि किस तरह से वो शुक्रवार को दोपहर चले गए, शनिवार रविवार छुट्टी थी, मंगलवार को वो नहीं, वो पहले से छुट्टी लेकर रखे हुए थे, और इस तरह से सोमवार तक, और इस तरह से मंगलवार को सुनवाई करेंगे, सारी बातें उनको रखनी पड़ी। ये स्थिति नहीं आती अगर स्पीकर का भी पक्ष सुन लिया जाता। फिर कोर्ट ने कहा था जल्दी फैसला का, जो जल्दबाजी दिखलाई थी, सच ये है कि फैसला अब तक नहीं हुआ। कोर्ट उस टाइमिंग का तो वैल्यू कोर्ट ने खुद ने खत्म कर दिया ना। तो एक तो कहा कि आपने तुरंत फैसला लीजिए, तुरंत अभी तक देखिए आज तक फैसला नहीं आया है। तो ये अर्जेंसी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई, ये अर्जेंसी बाद के दिनों में एग्जिस्ट नहीं हुई। अब देखिए कल फैसला आएगा, ये मैं सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब हमारे आशीष जो कुछ कहना चाह रहे थे वो बोल सकते हैं। बोलिए आशीष जी जल्दी से, फिर मैं राहुल जी आपके पास आ रहा हूँ। शुरुआती डायरेक्शन जैसे इन्होंने खुद कहा कि स्पीकर का पक्ष उस समय नहीं सुना गया था। देखिए कोर्ट बायस होकर काम नहीं करती है। स्पीकर ने जब बोला कि उसके सामने कुछ मजबूरियां थी, तब उस टाइम फ्रेम को एक्सटेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी का फेवर नहीं कर रहा है यहाँ पर। और उस दिन भी कोर्ट की डायरेक्शन ये थी कि आप स्पीकर के सामने जाकर एक बार रेजिग्नेशन फिर से प्रस्तुत करें, क्योंकि कुछ प्रोसीजरल इररेगुलरिटीज बताई जा रही थी, दूसरे पक्ष से निकल कर आ रहा था कि ऐसी चीजें हो रही। ठीक है, ओके राहुल जी अब बताइए सर, अगर बागियों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तब, अयोग्य हो जाता है तब, और क्या वाकई में संवैधानिक संकट है या फिर राजनीतिक संकट है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो है कि राजनीतिक संकट है और इसको जानबूझ के संवैधानिक संकट बनाया गया है। लेकिन इस तरह के जो भी चीज हो रहे हैं, जो इस्तीफे हो रहे हैं, अलग अलग और भी जगह हम लोगों ने इस तरह की घटनाएं देखी हैं इस्तीफा होने की, तमाम तरह की चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अब जो दल बदल है, जो उसके प्रावधान थे उसको असंगत करने के लिए इस तरह के प्रयास सारे राजनीतिक दल मिल के कर रहे हैं। थोड़ा उसके ऊपर मैं आना चाहूँगा कि जैसे कि बार बार हम लोग 10th Schedule की बात कर रहे हैं, 1985 में उसमें 52 संविधान संशोधन लाया गया, उसमें प्रावधान ये किया गया कि एक तिहाई बहुमत के, एक तिहाई लोग अलग होकर दल बदल कर सकते हैं। फिर एक तरह से 2001 में 91 संविधान संशोधन किया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि आप दल बदल सामान्य रूप से नहीं कर सकते, बल्कि एक तरह से 2/3 लोग मिलके हम लोग किसी दूसरे दल में उसके विलय करा सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ने गोवा के मामले में देखा। लेकिन अब उसका भी एक दूसरा रास्ता निकाला गया है। देखिए हमारे यहाँ पर यही कमी है कि हम लोग संविधान में नियम बनाते हैं, फिर नए नए परिस्थितियों के मुताबिक उसमें नए नए प्रयोग करके उसके जो लूप हॉल्स होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अब इस दल बदल को अप्रभावी करने के लिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको अप्रभावी करने के लिए अब नया फॉर्मूला लिया जा रहा है कि आप इस्तीफा देने का प्रयास कर रहे हैं। सोचने वाली चीज़ है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आखिर दो मामले बराबर उठ रहे हैं इसमें, एक मामला आ रहा है इस्तीफा का, एक मामला आ रहा है अयोग्यता का। आज जो पूरा दिन जो बहस चला है वो पूरा बहस इसी के ऊपर रहा है कि स्पीकर इस्तीफा पर पहले निर्णय ले या अयोग्यता पर निर्णय ले या किस रूप में निर्णय ले, या फिर एक प्रश्न ये भी रहा कि क्या इस्तीफा अयोग्यता का मामला हो सकता है। ये तमाम डायमेंशंस उठे हैं इसमें। हम लोगों को समझना पड़ेगा, जैसा कि आशीष जी ने कुछ चीज़ रखा, मैं थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा उसमें कि देखिए अगर आप वो इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देने पे तो असेंबली की संख्या घट जाएगी और ये पूरा मामला जो है एक तरह से इस्तीफा देने के बाद तो सीधे सीधे लाभ की स्थिति में जो है कि दूसरा धड़ा विपक्ष जो है कि लाभ की स्थिति में रहेगा अगर उनको स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन अगर ये अयोग्यता का मामला आता है तो अब ये अयोग्यता के स्थिति में देखिए सरकार बचने की संभावना तो कम है, जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें किसी भी स्थिति में सरकार बचने की संभावना काफी कम दिख रही है जो अभी तक हम लोग गणित देख रहे हैं। लेकिन हम लोग एक चीज तो सोच सकते हैं कि अयोग्यता और इस्तीफा के मामले में क्यों वो सदस्य जो है कि वो इस्तीफा पे ज्यादा बल दे रहे हैं, अयोग्यता पे कम बल दे रहे हैं।
तो देखिए इस्तीफा देने पे भी उनका मेंबरशिप जाएगा, लेकिन अयोग्यता के केस में एक तरह से मेंबरशिप तो जाना ही जाना है उनका। और वो मैं एक करेक्शन करूंगा आशीष जी के बात में कि वो जो इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे पूरे विधानसभा के कार्यकाल तक नहीं, बल्कि जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उस तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे वो। हाँ। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि वो अचानक से वो चाहेंगे कि वो जब तक वो नया फ्रेश इलेक्शन जीत के नहीं आते हैं तब तक वो मंत्री पद नहीं ले सकते। वो 164 का जिक्र कर रहे हैं चाहता। हाँ। आर्टिकल 164। तो मैं एक तरह से स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि देखिए पूरा मामला है मंत्री पद को लेने का ही। हाँ। क्योंकि अगर ऐसे में अगर आपका अयोग्य आप घोषित होते हैं तो आप मंत्री पद सीधे सीधे फिर नई सरकार बनती है तो उसमें आप मंत्री पद नहीं ले पाते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा हम मैं इस पक्ष पे तिलक जी ध्यान देना चाह रहा था कि ये जो पूरे प्रकरण कहीं पे भी देश के किसी भी हिस्से में हो रहा है, कभी हम लोग देखते हैं कि इस पूरे प्रकरण का लाभ दल बदल का लाभ कभी बीजेपी लेती है कभी कांग्रेस लेती है, आज तक चलता हुआ रहा है। ये जो संपूर्ण प्रकरण है ये मूलतः संविधान के मूलभूत भावनाओं के विरुद्ध है। इसी कारण ये यही बात मैं ले रहा हूँ। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा राहुल, मैं उसी बात को ले रहा हूँ। मैं एक और फैसले का जिक्र कर रहा हूँ फिर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आशीष जरा उसको करेक्ट करिएगा क्योंकि मैंने कुछ जजमेंट्स की बात की है। कोर्ट का एक फैसला है स्पीकर को लेकर कि निजी तौर पर भी इस्तीफे की जानकारी अगर उसे मिलती है स्पीकर को यानी कि, तो भी जिम्मेदारी है कि इस्तीफे के कारणों का पता लगाए, यानी जब तक स्पीकर इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं ले लेता कोर्ट दखल नहीं करेगा। नहीं, बात बिल्कुल जायज़ है। देखिए मैं उस जो अभी इशू निकल कर आ रहा था उस पर भी बता रहा हूँ, विश्वजीत राणे जी के मामले में वो इशू अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये अभी तक सेटल्ड इशू नहीं हुआ है। देखिए जब जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, डिसीजन ना लेना भी अपने आप में एक निर्णय होता है। यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, किसी डिसीजन यस या नो के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी कि इन्होंने इस्तीफा दिया है आपने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। देखिए डायरेक्शन को समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि आप इस पर निर्णय लीजिए। ब्रेक लेता हूं, निर्णय लेने के लिए कहा है, निर्णय पर सवाल नहीं उठाए या किसी एक विशेष निर्णय को लेने के लिए। अब अदालत के पास विकल्प क्या बचते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, ब्रेक के उस पार सियासत को लेकर ये सियासी घमासान, कर्नाटक पर अहम फैसला, बुध किसके लिए होगा शुभ, एक छोटा सा ब्रेक जल्द हासिल हो रहे हैं। ऑल द आर्ग्यूमेंट्स टुमारो बाय 10:30 AM वी आर एक्सपेक्टिंग जजमेंट। ये बीजेपी जहां पे पावर में थी वहां पे तो कई जगह तो सरकारें चलाती है। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट भी जो है असेंबली लेजिस्लेचर और स्पीकर के फेवर में ही ऐसा लग रहा है सरकार बन जाएगा, ऐसा लग रहा है वो गवर्नर का प्रोरोगेटिव राइट है, किसको बुलाएंगे क्या करेंगे वो देखना है। जी हाँ, कर्नाटक पर सुप्रीम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संदीप द्विवेदी जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पशुक्र है, आशीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, प्रेम कुमार राजनीतिक विशेषक हैं, राहुल राव हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है, वीरेंद्र प्रजापति कांग्रेस समर्थक है। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं वीरेंद्र प्रजापति, एक बात बताइए, अब बुध होगा शुभ आपके लिए लगता है आपको? सर इस भविष्य के गर्व में है सब कुछ और हम सबको इंतजार करना चाहिए बुधवार के लिए भी। और मैं ये नहीं कह सकता यहाँ बैठकर, तय नहीं करूँगा कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन एक इच्छा है, एक भाव है कि हाँ जो होगा अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम उसको सरमाथे पर रखेंगे, स्वीकार करेंगे। कुमारस्वामी सरकार बचा लेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से बचा लेंगे। हम लोग अपने प्रयास कर रहे हैं, दूसरे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। और अगर बीजेपी साथ आ गई कुमारस्वामी के फिर? जी बीजेपी साथ आ गई फिर? मैंने पहले भी कहा था कि अभी आपके सामने उन्होंने बोला ना ईट से ईट बजा देंगे। वो मैं कह रहा हूँ सर वो बजा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटीज का गेम है, ये अपॉर्चुनिटीज को मिलेगी वो करेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही गतिविधि अपना पक्ष रखा जाए। लेकिन आप पहले से ही कोशिश ऐसी करें कि दूसरे के पे अगर आपके जो स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अपना घर नहीं बचा पाए वो नहीं भजन करने थोड़ी ना आए। हमारा घर बचा हुआ है, हमारा घर बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में है, हमारा घर बचा हुआ है, हम बचा लेंगे। आपने गोवा से सबक नहीं लिया जी, आपने मध्य प्रदेश से सबक नहीं लिया जी, आपने कर्नाटक से सबक नहीं लिया, फिर आप कहते हैं कि घर हमारा बचा हुआ है और फिर भी कहते हैं कि लूट के ले गए, लूट के ले गए। सत्ता बड़ी मजबूत है सर, देश के अंदर केंद्र बैठी सत्ता बड़ी मजबूत है, उसके आगे शायद हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। आपने कभी नहीं किया? जी सर मैं हमने क्या किया था क्या नहीं किया था, आज मुद्दा वो नहीं, आज मुद्दा है कर्नाटक। हाँ, तो मतलब किया ना आपने जी, स्थिति ये है ना, आपने जो किया वही वो नहीं, कर रहे हैं। मैं हाँ ये नहीं कह रहा हूँ मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
क्यों कर्नाटक की जो स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था? जो स्थिति कर्नाटक में क्या से पहले थी, इंदिरा गांधी जी ने याद है ना क्या किया था? सर मैं कह रहा हूँ कर्नाटक जैसी स्थिति पहले कभी देश में उभरी है क्या? जो स्थिति इस देश में उभरी है जिस प्रकार से, इससे पहले तो सरकारी बर्खास्त हो गई। मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं कह रहा हूँ सब कुछ हुआ इस देश के अंदर, हुआ ना, लेकिन इस देश में सब कुछ हुआ है, लेकिन हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण के अंदर सारा फैसला लिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी स्पीकर की अधिकारों का एक बार उनको जरूर निरीक्षण में देखें कि किस प्रकार के उनके अधिकार हैं। कहीं दूसरा पक्ष ये ना इसके मन में रहे कि सुप्रीम कोर्ट सर आप कितने समझदार वकील पक्ष रख रहे हैं ना जी। राजीव धवन जी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं जी, जी सर अच्छे अच्छे वकील हैं आपके पास जी। संवैधानिक संकट से वो निपट लेंगे ना बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक संकट से आप लोग कैसे निपटेंगे? उनके पास तो प्लान ए बी सी तैयार है, आपके पास तो प्लान ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। हिम्मत है मर्दा तो मदद करेगा। हमारे पास विल पावर है, संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। झूठ नहीं जीत सकता ना, सत्य जीतेगा ना। सर ये 2014 से डायलॉग बोल रहे हैं आप लोग। सर आप अपने हिसाब से आप किसी भी इस प्रकरण को गढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर आपके अध्यक्ष यही केवल दो दिन की बात है, आपके अध्यक्ष आप देख लीजिएगा देश में क्या ठीक है। चलिए अब तो ईट से ईट बजाने की बात संदीप द्विवेदी ने कर ली, तो संदीप द्विवेदी प्लान भी तो बता दीजिए कि नहीं बताएंगे अभी? देखिए प्लान भी क्या है, जिस तरीके से इनका सबसे मजबूत गढ़ अमेठी था, ये अमेठी नहीं बचा पाई, क्या कर्नाटक बचाएंगे, क्या पंजाब बचाएंगे, क्या मध्य प्रदेश बचाएंगे? देखिए यहाँ किसी राज्य को बचाने की या किसी सीट को बचाने की बात नहीं है, यहाँ जो आज सबसे कमजोर नेतृत्व तो कांग्रेस के अंदर है उसी का फायदा उठा रहे हैं, जो राजनीति को पार्ट टाइम समझते हैं और जिनको अगर मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट कर लिया गया तो उन्हें लगता है कि तो पार्ट टाइम जॉब है, पहले अपना बिजनेस संभालो, इटली संभालो, लंदन संभालो, जो इसमें बिजी हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि इस देश के 12 से 13 अच्छा एक अफवाह उड़ रही है संदीप द्विवेदी, इसको इस अफवाह को विराम दे दीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ इस अफवाह को यहीं विराम दे दीजिए। अफवाह ये उड़ रही है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए प्लान बी तैयार कर चुकी है और उसमें कुमार स्वामी भी साथ आ जाएंगे, ये झूठ है ना सर? देखिए सर सरकार हमें बनानी है और इसकी मतलब जो पुष्टि है वो दूसरे लोग कर रहे हैं। नहीं तो आप खंडन कर दीजिए। मैं अभी चल रहा था, संदीप द्विवेदी कह रहे किसी भी हाल में हम चुनाव में जाएंगे, सरकार को हम कुमार स्वामी के साथ हम नहीं बनाएंगे, बोलिए आप। देखिए सरकार भाजपा बनाए या ना बनाए अलग चीज है, लेकिन नहीं, आप तो कह रहे ईट से ईट बजाएंगे। अगर हम सरकार बनाएंगे तो शत प्रतिशत मुख्यमंत्री हमारा होगा और कहीं ना कहीं वो तो होगा आपका, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। पीडीपी वाली गलती तो नहीं करेंगे ना, कांग्रेस की तरह हमारा सीएम कैंडिडेट क्लर्क का काम नहीं करेगा, इसलिए कि हमारे पाप ना खुल जाए, सिर्फ इसलिए कि हमारे पापों की वजह से हमें जेल ना जाना पड़े। अच्छा संदीप द्विवेदी आतंकियों के साथ भी हाथ मिलाया था ना आपने, यही बोला था ना आतंकी हैं वो। देखिए मैं मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, हमने पहले भी कहा है कि वहां हमने 6 महीने वेट किया, आप इलेक्शन के बाद इमीडिएट इलेक्शन अगर आप करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वकील जनता का 6 महीने क्यों 6 महीने वेट किया आपने? कितने दिन वेट किया? पीडीपी के साथ कितना समर्थन था? कितने समय सरकार चलाई? बता दो भाई आप बड़े जानकार व्यक्ति हैं, आपने पीडीपी के साथ कितने समय सरकार चलाई? अरे आपने कितने बार चला ली जरा ये भी बता दो। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? हमने 6 महीने क्या कहा था? आप ऐसे ऐसी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन रखा, 2 मिनट सुन लीजिए कीजिए, इसका आधार आतंकी रहा है बयानबाजी करने का, आपको 3 बार याद आता है कि ये पार्टी आतंकी है, सुना कीजिए जम्मू कश्मीर को आप नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा। क्या हमने कहा? आपको स्पष्ट बोलना पड़ेगा कि हमने आतंकियों के साथ गठबंधन किया था, बाद में हमें होश आया, हमने छोड़ दिया। आप मानते आतंकियों ने? जब आप गलवैया कर रहे थे, नहीं अब जब आतंकियों ने आपने तब नहीं किया था, नहीं जब आप गलवैया कर रहे थे और खुलेआम कश्मीर में खिलवाड़ कर रहे थे, खुलेआम पुष्टिकरण हो रहा था, खुलेआम आतंकवाद बन जा रहा था, खुलेआम सपोले पाले जा रहे थे। ओके राहुल लाल को लाइए जरा स्क्रीन पर। अब देखिए पहली चीज बात पूरी, राहुल जरा समझाइए, देखिए प्लान बी का खुलासा नहीं कर रही है बीजेपी, लेकिन इतना जरूर बोल रही है बीजेपी की भैया ईट से ईट बजा देंगे आप, जनता कह रही है कैसे ईट से ईट बजाएंगे। ओके ओके संदीप 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 पानी संदीप ओके सर सर लगा बजा के रखिए, ये जनता का शब्द है और जनता हर तिलक जी देखिए वीरेंद्र प्रजापति संदीप द्विवेदी आप दोनों यूं हैं, सुने मेरी बात, लिसन टू मी, एक सेकेंड भ्रष्टाचार करेंगे तो उसका पाप कौन झेलेगा, उसके पाप को तो झेलना पड़ेगा। द्विवेदी जी आपको आदत हो जानी चाहिए कि आपको प्रश्नों का उत्तर मिले, आप हर प्रश्न के अंदर कांग्रेस इटली राहुल तो रखिए, आप उत्तर देने का मौका दें, आपकी बौखलाहट तो वही है कि संसद हिल जाएगी और हिलता आपसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वोटर भी नहीं है। अरे छोड़िए हो गया संदीप ओके एक सेकंड प्लीज सर, कम से कम सम्मान रखिए, आप दोनों युवा हैं,
एक सेकंड मेरी बात सुनिए जी, पूरा आप अपने आप अपने मैंने जब तक ये बोला मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला संदीप त्रिवेदी मेरे समय में संदीप त्रिवेदी बातों को अरे सर गलत समझ के गलत तरीके से आप लोग अगर एक सेकंड कहां की राजनीति सर सत्ता में है दिल बड़ा रखिए ना प्रश्न आप सर सत्ता में दिल बड़ा रखिए ओके ओके का जिक्र किया आपको पता है देखिए एक सेकंड संदीप त्रिवेदी बता दीजिए एक सेकंड प्रकरण में संदीप क्यों अपनी डेफिनेशन संदीप प्लीज संदीप प्लीज डेफिनेशन क्यों दे रहे हैं आप पहले मुझे अपना सेंटेंस खत्म करने देंगे ना आप स्पष्ट रूप से मैं समझता हूं अरे तो स्पष्ट सुनने तो पहले सुनिए तो पूरा बात पूरा सेंटेंस तो कहना ओके ओके संदीप प्लीज संदीप ओके ओके जरा विंडो में देखिए अरे इटली की तैयारी करिए ऑडियो नीचे रखिए ऑडियो नीचे करिए ओके ओके तिलक जी देखिए इस पूरे मामले सर फिर वही पप्पू पप्पू क्या सर ओके राजनी ऐसे ऐसे नहीं ओए डिबेट नहीं ऐसे नहीं ऑडियो नीचे करिए ऑडियो नीचे राहुल का ऑडियो उठाइए सिर्फ राहुल जी हाँ तिलक जी देखिए ये बीजेपी प्लान बी का खुलासा नहीं कर रही है देखिए बीजेपी अभी प्लान बी क्या होगा इसका खुलासा बीजेपी नहीं कर रही है लेकिन प्लान बी तैयार है देखिए प्लान भी तैयार नहीं है फुल प्रूफ तैयार है अगर प्लान भी तैयार ना होता तो ये इस्तीफे और अयोग्यता का मामले का इतना लंबा बहस ही नहीं होता देखिए कर्नाटक में जो संकट चल रहा है हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि इस पूरे संकट के लिए जो देश की जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दोनों के दोनों जिम्मेवार हैं इसमें देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी ये रही कि उसको अपने विधायकों को जिस तरह से और अपने सरकार को जिस तरह से चलाना चाहिए सरकार बनने के बाद से जिस तरह से एक सिद्धारमैया और सरकार के मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह से मतभेद कायम रहे उस मतभेद को कांग्रेस सुलझाने में नहीं नाकाम रही लेकिन अभी भी स्पष्ट है कि जो पूरा नाकामी का लाभ है उस पूरे लाभ को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है ये हर कोई हम लोग समझ पा रहे हैं तो ये इसलिए प्लान भी बिल्कुल तैयार है ये हम लोग जैसे ही फ्लोर टेस्ट होगा तो उसके बाद हम लोग को काफ़ी सक्रिय रूप से जो है कि हम लोग को प्लान भी एक्टिवेट होते हुए भी दिखेगा और उसमें स्पष्ट है कि पूरे सरकार के धड़े में जेडीएस और बीजेपी दोनों मिलेगी एक तरह से उस कुछ उस रूप के संरचना में भी हम लोग प्लान भी को भविष्य में देख पाएंगे हम लोग ऐसा भी कुछ होगा प्रेम जी अपने राजनीतिक अनुभव के हिसाब से बताइए जब तेल और पानी का मिलन हो सकता है आप दोनों उदाहरण देख लीजिए चाहे कर्नाटक वाला देख लीजिए चाहे जम्मू कश्मीर वाला देख लीजिए जब तेल और पानी का उदाहरण हम देख रहे हैं कि मिलन हो सकता है तो फिर जेडीएस और बीजेपी का क्यों नहीं ये प्लान भी नहीं हो सकता बीजेपी का मैंने तो पिछले डिबेट में भी आपसे कहा था जैसे ही कुमारस्वामी ने यह डिसीजन लिया कि विश्वास मत हम हासिल करेंगे उसके स्पष्ट मायने यही थे कि अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो सरकार बचाए ठीक हमें कुछ नहीं करना अगर नहीं बचाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे जो आप बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ अलाई करके दूसरी सरकार देने की ओर बढ़ेंगे नहीं तो फिर ये अघोषित रूप से उसी दिन तय हो गया नहीं, था फिर बीजेपी नैतिकता की बात क्यों कर रही है ये तो सत्ता की लड़ाई हुई ना सर फिर से सवाल करें ये सत्ता की लड़ाई हुई ना सर नैतिकता की बात कहां से आ गई नैतिकता की बात तो मैं कह ही नहीं रहा यहाँ तो नैतिकता टूटेगी टूट रही है तभी तो ये चीजें होंगी कि एक को छोड़ के दूसरे की तरफ जाएंगे जैसे उन्होंने बहुत दबाव झेला कुमारस्वामी ने पूरा दबाव झेला लेकिन जब लगा कि अब मुश्किल है ये रोज रोज कांग्रेस की ओर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अब छोड़ दो कांग्रेस को ही सलटने के लिए सरकार बचेगी या नहीं बचेगी ये कांग्रेस समझे नहीं आप हम अपना आगे की समस्या आगे का जो है रास्ता देख नहीं, लेंगे तो ये उसमें संदेश में शामिल विकास की राजनीति की दुहाई क्यों दी जाती है जब कुमारस्वामी रोते तो रुमाल लेकर बीजेपी पहुंच जाती है और फिर कह रहे कांग्रेस कह रही कि भैया इन्होंने रुमाल क्यों दिया गरीबी मिटाने के नाम पे होती है सारी राजनीति विकास के ही नाम पे राजनीति होती है राजनीति तो उसी नाम पे होगी लेकिन फिर भी राजनीति होगी यही फैक्ट है तो हम ये इस स्तर पर अभी ये उम्मीद कर रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट कल फैसला देने वाला है हम नहीं जानते कि वो क्या दे सकता है लेकिन उम्मीद तो कर सकते हैं हमें उम्मीद क्या है वो मैं बताना चाहता हूं कि कल किस तरह से सुप्रीम कोर्ट फैसला दे मेरी उम्मीद ये है कि इन इस्तीफों को इंडिविजुअल इस्तीफा मान करके नहीं देखा जाएगा इसे कलेक्टिव इस्तीफा मान करके देखा जाएगा इसे सरकार टॉपल करने की कोशिश के तहत देखा जाएगा इसे दल बदल विधेयक कानून के का दुरुपयोग के रूप में देखा जाएगा और अगर इस रूप में देखा जाता है तो कल एक अच्छा निर्णय जो है लोकतंत्र के लिए सामने आने वाला मतलब जो बीजेपी के लिए झटका होगा वो अच्छा निर्णय होगा सर नहीं ये तो मैं कह ही नहीं रहा तो ये तो लेकिन ये जो है ये इंडिविजुअल नहीं है कि मेरा मन कर रहा है कि हम इस्तीफा दे रहे हैं अरे हम इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि मंत्री बनना चाहते हैं दूसरा नारायण राणे बनना चाहते हैं इसलिए इस्तीफे हो रहे हैं राहुल का ऑडियो ठीक है हाँ मैं तिलक जी मैं तो आप मंत्री पद नहीं देंगे क्या प्रेम कुमार जी ने जो बात की मंत्री पद नहीं देंगे इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग की लड़ाई है यही तो मैं पहली डिबेट की शुरुआत से कह रहा हूँ
कि एक कांग्रेस के आपसी विधायकों का जो ग्रुप है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की लड़ाई है। तो आप ये कह रहे कौन मंत्री बने कौन ना। देखिए आप, देखिए आप ये भी नहीं बोल रहे कि हम जेडीएस के साथ नहीं जाएंगे, आप ये भी नहीं कह रहे कि आप मंत्रियों को हम जो बनाएंगे तो मंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री हमारा होगा, हमारा मुख्यमंत्री क्लर्क की तरह काम नहीं करता। ओके 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 सर, एक सेकंड राहुल प्लीज जल्दी से, फिर आशीष आपके। मैं देखिए एक चीज इसमें जो प्रेम जी बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा उसी को मैं आगे जोड़ूंगा कि देखिए ये जो पूरा मामला है और स्पीकर को लेकर जो विवाद है, क्योंकि हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि स्पीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट के हस्तक्षेप होंगे कि नहीं होंगे, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि कल के निर्णय का बड़ा दूरगामी असर होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगहों पर स्पीकर ने एंटी डिफेक्शन लॉ पर वो चुप्पी मारे हुए रहे हैं। अगर स्पीकर के सत्ताधारी दल को एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करने से उनको अगर व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हो रहा है तो वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कल निर्णय देगी तो एक तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ के जो मामले सारे देश भर में सुषुप्तावस्था में है वो जागृत अवस्था में आएंगे, ये एक बड़ा सा चीज होगा। जब बाकी अभी जो संदीप जी कह रहे हैं कि पूरे प्रकरण में भाजपा कहीं से शामिल नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में स्थिति हुआ, जिस तरह से डीके शिवकुमार वहाँ पे गए और उनको गिरफ्तार भी किया गया, तो काफी कुछ बीच बीच में बीजेपी बिल्कुल फ्रंट लाइन पे नहीं आना चाह रही है, लेकिन बीच बीच में दिख जा रहा है कि पूरे प्रकरण में वो सर आप मत बोल दीजिएगा वो बिल किसके नाम के थे होटल वाले, फिर नाराज हो जाएंगे। ठीक है सर, अभी आता हूँ एक सेकंड। अब मैं जरा संवैधानिक नजरिए से कुछ सवाल आशीष आपसे जानना चाहूंगा, अब अदालत के पास विकल्प क्या बचे हैं? देखिए हमें इस चीज को समझना चाहिए कि कल कोई ऐसा डिसीजन नहीं आने वाला कि कोर्ट ये कहेगी कि ये कलेक्टिव एक एक्ट है विधायकों के पाले पर और इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ये अधिकार अभी भी स्पीकर के पास सुरक्षित है, केवल निर्णय ये लेना है कि आप इस पर डिसीजन लीजिए, इस समय से पहले लीजिए या इस पर इस तरीके से निर्णय एक प्रोसेस के तहत निर्णय लीजिए, उसके बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। हमारी संवैधानिक स्कीम जो है वो स्पीकर को अधिकार देती है ऐसे निर्णयों को लेने का, लेकिन ये बात भी हमारे कलीग की बिल्कुल जायज है कि कल के निर्णय का एक दूरगामी परिणाम होगा, जो स्पीकर कई सारी एप्लीकेशंस के ऊपर चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन की हो रेजिग्नेशन की हो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। नहीं, इससे पहले कभी स्पीकर और कोर्ट के बीच में इस तरह का टकराव कभी देखा गया हो? देखिए ये टकराव एक मीडिया हाइप में होता है या राजनीतिक हलकों में इसको टकराव के रूप में देखा जाता है, कभी भी दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच में बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि टकराव की सिचुएशन आई हो, लेकिन जब कभी भी टकराव होता है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है जल्दी से, फिर मैं एक और जजमेंट पे केवल मैं आशीष जी के बात में एक चीज थोड़ा सा जोड़ देना चाहूंगा कि जब हम लोग के सोमनाथ चटर्जी जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष थे उसमें भी एक तरह से टकराव का सिचुएशन हम लोगों ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच में देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा था और उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था स्पष्ट कि लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यों में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको इस तरह से नहीं भेजा सकता, इसलिए हम लोगों के अब तक के व्यवस्था में कई बार इस तरह के टकराव आते रहे। ये एक रेयर इंसिडेंस था जहां पर वास्तव में कोई टकराव दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जब संविधान के प्रोविजनों के इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो संविधान ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है, तो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा दिखाई पड़ता है उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट जैसे करेगा वैसा ही इस देश का कानून माना। आशीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जो है उसको मूलभूत ढांचा के अंतर्गत रखा और न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इस तरह का हस्तक्षेप कर सकती है, बिल्कुल सही है, संवैधानिक तौर पर ऐसा हो भी रहा है इस देश में। क्या कुछ फैसले नजीर साबित होते हैं या जजमेंट, जब आप सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट लेता है तो पुराने फैसलों के आधार पर भी लेता है उसे कोर्ट किया जाता है? आशीष ऐसा होता है, मैं एक जजमेंट का जिक्र कर रहा हूं, 2010 की बात करते हैं, युद्रप्पा ऐसी स्थिति में थे, नाराज मत होइएगा संदीप, तब उस वक्त भोपाल स्पीकर थे, 11 बीजेपी एमएलए ने इस्तीफा दिया, 6 निर्दलियों ने दिया, स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया, कोर्ट ने तब कहा कि ये नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया, जो नेचुरल जस्टिस था उसे फॉलो नहीं किया गया, इसलिए जो है बीजेपी की सरकार बच गई। तो अब भी तो यही स्थिति है सर? अगर आप मुझको जवाब देने दें तो शायद, चूंकि कोर्ट के ऊपर प्रश्न उठ रहा है, मैं प्रश्न नहीं, मैं तो सिर्फ उस जजमेंट की बात कर रहा हूं सर, आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं सर, कोर्ट के जजमेंट के ऊपर सवाल। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो लेजिस्लेटिव विंग को पार देती है, नो डाउट देती है, लेकिन उसकी समीक्षा का अधिकार जैसे कि हमारे पत्रकार साहब कह रहे थे,
कोर्ट के पास है, कोर्ट देखिए उस जजमेंट को, उस डिसीजन को चैलेंज नहीं करेगी, उसने यस या नो, उसके यस या नो को चैलेंज नहीं करेगी, लेकिन यस या नो पर पहुंचने के पहले जो एक रीजनेबल प्रोसेस होनी चाहिए, उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, इसको देखने का अधिकार हमेशा से कोर्ट के पास रहा है। जिस निर्णय की बात आप ये कर रहे हैं, वो निर्णय भी उसकी मेरिट पर बात नहीं करता। स्पीकर ने क्या निर्णय लिया, कोर्ट ने केवल इतना कहा कि निर्णय लेते समय कानून के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है जो कि इस देश में एप्लीकेबल लॉ हो। ठीक, प्रेम जी, क्या आपको लगता है कि अब विधायकों और सांसदों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इसमें? देखिए इसको प्रेम जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ, ये मौलिक अधिकारों का हनन है? देखिए यहाँ एक सिर्फ एक सवाल आता है कि एक विधायक को इस्तीफा देने का अधिकार है कि नहीं जी। इसी वजह से वो कोर्ट पहुंचा और इसी वजह से कोर्ट उनको सुनने के लिए तैयार हुआ। तो अब उसका उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, यहीं पर मैं कह रहा था, अगर ये बात तय होगी कि ये व्यक्तिगत इस्तीफा नहीं है, ये कलेक्टिव इस्तीफा है, तो माने बदल जाएंगे। अगर वो इस्तीफा इंडिविजुअल मान करके अगर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो वही करेंगे जो अब तक फैसला दिया है उसी का एक्सटेंशन। नहीं तो फिर ऐसे में अगर ये मौलिक अधिकारों का हनन है तो विधायकों के कौन से मौलिक अधिकारों का हनन है? विधायकों, किसी विधायक को अगर रिजाइन करना है और पद पर नहीं रहना है तो ये उसकी इच्छा है कि नहीं, कोई उसको ये आजादी देगा कि नहीं कि वो विधायक रहना नहीं चाहता है? अच्छा, एक कंफ्यूजन हो रहा है फिर। हाँ वीरेंद्र, जल्दी से आ रहा हूँ। एक कंफ्यूजन और है, आशीष इसे भी दूर करेगा। आर्टिकल 32 का जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आप तभी आ सकते हैं जब डायरेक्ट तभी आ सकते हैं जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, लेकिन मौलिक अधिकारों के सिवा अगर कोई हनन होता है तो आप हाई कोर्ट से जा सकते हैं। तो इसमें क्या, मैं इसी से मौलिक अधिकारों का जिक्र कर रहा था, तो क्या इसमें मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है? नहीं, इस पूरे मामले को केवल मौलिक अधिकारों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। देखिए जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है या कभी भी कोई ऐसा केस होता है जहां पर एक संविधान के हिसाब से निर्णय लेना होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को साइमल्टेनियसली अप्रोच, साइमल्टेनियसली का मतलब या हो तो आप हाई कोर्ट अप्रोच करें या सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करें। चूंकि एक हाई कोर्ट का डिसीजन आता है फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए जो हमारे विधायक हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि कोई विधायक, देखिए विधायक अपने आप में एक संवैधानिक पद है, संविधान में उसका प्रोविजन है। स्पीकर क्या निर्णय लेगा, स्पीकर का पद भी एक संवैधानिक पद है, दो संवैधानिक पदों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही कर सकती हैं, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। वीरेंद्र प्रजापति और संदीप द्विवेदी, फाइनल कमेंट, इस फैसले के बाद अगर कोई संवैधानिक संकट आता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? संदीप द्विवेदी जल्दी से, देखिए या बचा लेंगे? देखिए पिछले लगभग 1.5-2 साल से जो नूरा कुश्ती चल रही है ऑब्वियसली उसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जिन्हें कहीं ना कहीं जेल में जाने का डर है। कौन जेडीएस भ्रष्टाचारी है? कौन जेडीएस वाले? देखिए अब कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है वो तो सरकार बदलने दो, आपको पता चल जाएगा। देखिए जेडीएस वाले भ्रष्टाचारी हैं, इसके पहले जेडीएस सरकार में नहीं थी, जिसकी सरकार थी मैं उसमें सवाल कर रहा। मतलब आप जेडीएस वालों को क्लीन चिट दे दी आपने? देखिए मैंने क्लीन चिट क्यों दे दी, क्या इसके पहले जेडीएस वाले मैं भ्रष्टाचारी हैं कहूंगा? यहां सरकार बचा रही है, क्या डर उनको है जिनके ऊपर तलवार लटक रही है? जेडीएस वाले भ्रष्टाचारी हैं, हमारे काले कारनामे खुले हैं, वाले भ्रष्टाचारी हैं, आज हमें जेल के अंदर जाना पड़ेगा, घुमा रहे हैं, लगना पड़ेगा कि हमने यानी दाने डाल रहे हैं भेजा वो सब पोल खुल जाएगा, यानी दाने डाल रहे हैं ना? क्या दाने डाल रहे हैं ना? किसको? जेडीएस भाई, हम क्यों दाने डालें भाई, हमारे पास तो आप बोल दीजिए ना सर भ्रष्टाचारी हैं तो बताइए। देखिए हमारे पास हमें किसी को अच्छा कांग्रेस ने अच्छा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया था। हम उस पे ओके वीरेंद्र प्रजापति फाइनल कमेंट प्लीज आपका। आप ये बता रहे हैं कि सरकार भैया किसी भी हाल में नहीं बचेगी आप लोगों की, तो आप बताइए कैसे बचाएंगे? नहीं सर, सरकार निश्चित रूप से बच जाएगी। कैसे? और बचेगी सर निश्चित रूप से। कैसे? फ्लोर टेस्ट होगा, हमारे पास पूरा नंबर है। आप तक तो आप कह रहे हैं आपके विधायक दिखाऊंगे, कैसे बचा लेंगे? हमने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, है कि नहीं? हमने नहीं कहा। अच्छा फ्री में ले गए वो? ना वो बिकाऊ है, फ्री में ले गए। किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? फ्री में ले गए सर। सर किस पर आरोप लगा रहे हैं? कौन आप, आपके ही नेता बोल रहे हैं ना कि हमारे कोई लेकर के नहीं गया, धन बल से जो है इन्होंने लेकर के नहीं गया। सर आप अपने अध्यक्ष का बयान, जी बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि धन बल का प्रयोग हुआ है। उन्होंने क्या कहा? धन बल का प्रयोग इसने क्या, हमें मालूम है धन बल का मतलब क्या होता है? लेकिन मैं आपको धन बल का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं सर, धन बल का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? सर धन बल हुआ है सर, आपके अध्यक्ष बोल रहे, पूर्व अध्यक्ष बोल रहे हैं ना, हमारे अध्यक्ष बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सर यही पूछ रहा हूँ, आपके पूर्व अध्यक्ष बोल रहे हैं मतलब मान गए ना उनका इस्तीफा कबूला? कहा धन बल का प्रयोग हुआ है, मैंने आपको उस दिन भी पूछ रहा था। आपके विधायक बिकाऊ है क्या? 16 से 18 तक के बीच में विधायक बिकाऊ है? 92% जितना भी राजनीतिक चंदा आया वो बीजेपी के पक्ष। अरे सर विधायक बिकाऊ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन इनका विधायक कर सकते हैं, ये व्यंग है, काफी है।
लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से इतना समझना जरूरी है कि हमारे विधायक को खरीद फरोख कोई ना तो हुई है ना होगी, लेकिन हमें अपने विधायकों को पूरा विश्वास है, हमारे पे विश्वास, हमें अपने विधायकों को पूरा विश्वास है और वो निश्चित रूप से नंबर पालेंगे हम। नहीं नंबर वो जो विधायक गए वो कौन है फिर सर? वो विधायक जो गए हैं उस पर कोर्ट फैसला ले लेगा, आपसी बंटवारे से नाराज कोर्ट फैसला ले लेगा। अच्छा चलिए, और जो पैसा खरीद फरोख्त कर रहा है वो भी देश जानता है कौन कर रहा है। संदीप द्विवेदी, एडवांस में मुबारकबाद या बाद में? नहीं देखिए, इसमें मुबारकबाद अगर देनी है तो उस देश उस प्रदेश की जनता को दीजिए। इसमें प्रदेश की जनता की क्या भूमिका? जिसके दबाव में इन विधायकों को रिजाइन देना पड़ा। प्रदेश की जनता की, भाई प्रदेश की जनता का ही दबाव पड़ा तब विधायकों को रिजाइन देना पड़ा। जनता थोड़ा चलिए बहुत से नाराज है, ओके पक्ष दे रहे हैं जो रेस्टोरेंट वगैरह होटल में जो ठहराया जा रहा है। सर आप फिर रेस्टोरेंट की बात करके संदीप नाराज हो जाएंगे। हमें लगता है प्रेम जी आपको पहले बीजेपी ने दिया होगा फिर पेमेंट आपने किया होगा। आप वरिष्ठ पत्रकार होके इस तरह की बात आप आगे ना सर पेमेंट की बात नहीं देता। ओके ओके, आप अगर सबूत के साथ ये बात करते हैं तो मैं आपकी बात मानता हूं। सारे अखबारों में सबूत आ गए हैं भाई। अरे तो आपको क्या मिला ये भी बता दीजिए, सबूत अगर आ गए तो सारे अखबारों में प्रधानमंत्री ने सबूत दिया था राजीव गांधी पर आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री ने सबूत दिया था राजीव गांधी पर आरोप लगाए थे। अरे तो जो फाइल बंद कर दी थी वो कोर्ट की, अरे लड़ने से क्या सबूत? अरे ताकतार लोगों को अरे संदीप अरे स्विस बैंक के अकाउंट होगा जनता ने करने से। चलिए थैंक यू, अलग की तरकालिक से जिनके मुंह काले हैं हम ये कह रहे हैं कि येदियुरप्पा जी के पर्सनल असिस्टेंट्स तक ये साथ में देखे गए, इवन आज जिनके ऊपर चलिए राहुल जी आपके पास आना चाह रहा था, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने संवैधानिक नजरिए से बहुत बेहतरीन तरीके से हर पहलू को रखा। अब देखते हैं बुध किसके लिए शुभ हुआ, कुछ घंटों के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन क्या यहां पर सियासी नाटक का अंत होगा या ये माने कि इंटरवल होने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लिसन ऑल द आर्गुमेंट्स टुमारो बाय 10:30 AM वी आर एक्सपेक्टिंग जजमेंट। बीजेपी जहां पे पावर में थी वहां पे तो कई जगह तो सरकारें चलाती है। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट भी जो है असेंबली लेजिस्लेचर और स्पीकर के फेवर में ही डिसीजन। ऐसा लग रहा है सरकार बन जाएगा, ऐसा लग रहा है वो गवर्नर का प्रोरोगेटिव राइट है, किसका बुलाएंगे क्या करेंगे वो देखना है।